yourself need to become a leader in your life. आपकी family के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपकी teams के लिए, आपकी company और customer के लिए, अभी आप ना leader बन जाइए. आप direction दीजिए, आप positive energy दीजिए, आप focus कीजिए कि आपकी positivity आप कैसे दूसरों पे transfer कर जाए. Don't wait for others to give you confidence, hope, positiveness and lot of energy. You become the source of energy. आप गंगोत्री बनिए. You will be able to give a lot of positive resources around you. Energy that will give back to you. ठीक है? What you transfer will come back to you. What you focus will grow. If you focus on negativity, you will get more negativity. You become a leader. Become a direction provider. Give them the direction. Show them the vision. You will have to realign your vision with your team. You have to realign your vision with your family. आपने फैमिली के साथ कुछ गोल सेट किए होंगे, टीम के साथ कुछ गोल सेट किए होंगे, कस्टमर के साथ कुछ गोल सेट किए होंगे. वो सारे विजन को साथ में मिलकर कम्युनिकेट कर रीअलाइन कीजिए. अनप्रोडक्टिव हैबिट्स जो आपको आज तक आपके टाइम खाती थी, एनर्जी खाती थी और पैसा वेस्ट करता था, उसका कॉस्ट कटिंग कीजिए. सैलरीज मत कम कीजिए. लेट गो ऑफ अनप्रोडक्टिव हैबिट. लर्न न्यू थिंग्स. विक्टर फ्रैंकल नाम के जेंटलमैन ने एक बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी थी, मैन सर्च ऑफ मीनिंग, जहाँ पे हिटलर ने उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था. एंड विक्टर फ्रैंकल ने कहा, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गया जहाँ मेरी मौत निश्चित थी, माय फर्स्ट गोल वाज टू सर्वाइव, माय सेकंड गोल वाज टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्राइसिस. व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस क्राइसिस, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ एंड इम्प्लीमेंट. एक्ट एक्ट एक्ट, टेक एक्शन. बोल बच्चन और सोच रखने वाले इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं, बट ये पैंडेमिक के बाद कौन लोग ग्रो करेंगे मालूम है? जो फास्ट हैं, जो अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं और जो दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं. यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव टू कोलैबोरेट विद अदर्स. सो लर्न न्यू थिंग्स टू डू दिस. ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग. Don't sit and just keep looking at your mobile. Observe, talk to people in your industry. Get on foundations like the BLL. Get on such forums. The more you interact, business पे चर्चा जैसा नाम है, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव चर्चा करेंगे आपको रिजल्ट आएंगे. Be flexible and adaptive. You know, don't be stagnant. Don't preserve your old bad qualities. नहीं, मुझे तो अभी नहीं मैं बदल सकता, मैं 50 साल का हो गया हूँ. Don't be rigid here. Be flexible. जहाँ धंधा मिले वहाँ जाओ, जो बिकता है वो बेचो. Be ready to adapt your business. Don't be rigid. आप बोलेंगे, पर मैंने तो इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब कहाँ मैं चेंज करूँ? The delivery system can change. The way you interact with customers can change. The quality of your staff can change. The skill can change. Overall business vision can change. People can change the way they work, if not on the products that they sell. Become financially alert. और अलर्ट हो जाइए कहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, कहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है. बी फाइनेंशियली अलर्ट. माई इनकम हैज टू कम इन. आई हैव टू क्रिएट इनकम, आई हैव टू कंजर्व इनकम एंड आई हैव टू कंटिन्यू माई इनकम. ओके, आई हैव टू क्रिएट इनकम बाय सेलिंग, आई हैव टू कंजर्व माई इनकम बाय फोकसिंग ऑन द राइट एक्सपेंसेस एंड आई हैव टू कंटिन्यू माई इनकम थ्रू पैरेलल पैसिव वेज ऑफ इनकम. ये तीनों पे आप काम करेंगे तो ही आप इस पैंडेमिक के बाद सरवाइव कर पाएंगे. बी फास्ट टू डिसाइड. यू नो, बहुत लोगों को डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस होती है. डोंट बी टू क्रूड इन योर डिसीजंस. टॉक टू द राइट पीपल, बट वंस यू डिसाइड, एक्ट ऑन इट. टेक एक्शन. बी सुपर फास्ट टू एक्ट. डिस्ट्रॉय योर मेंटल चेन्स. ऐसा हाथी को भी बांध सकते हैं चेन्स के साथ. आपके माइंड को आप चेन से मत बांधे रखिए कि नहीं, ये पुराने मेथड से ही मैं काम करूंगा. चेंज द वे यू आर टॉकिंग टू कस्टमर. यू ऑलवेज हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर टीम. इंक्रीज योर कम्युनिकेशन. हैव रिव्यूज एटलीस्ट टू टाइम. कम्युनिकेट योर विजन, वेयर यू आर गोइंग. गिव देम कॉन्फिडेंस कि मेरे साथ इस बुरे टाइम में जुड़े रहोगे तो तुम्हारे पर्सनल गोल्स भी फुलफिल होंगे. अलाइन. टेक देयर ओपिनियन. यू नो, डोंट रिडिक्यूल ओपिनियन. You accept or you not accept is your choice, but acknowledge the opinion of your team members. Assure them with confidence.
design measurable tasks for them to do on a daily basis. Use technology. There are so many apps. There are so many to-do apps, productivity apps. There is Skype, there is Zoom. Get used to using technology to monitor. इससे long term में आपके cost कम होंगे. Work from home will become the new norm. Rental costs अभी लोगों के देखो problem होंगे. लोग offices में कम काम करेंगे, घर से ज़्यादा काम करेंगे, which is good. Travel cost कम होगा. How can you make this your new way of working with reduced cost? Start looking at that. Review the input activities. Team ने कितने call किए, team ने कितने mails किए, team ने कितने LinkedIn पे post किए, team ने कितने dormant customer से आज बात किया, team ने कितने नए customers को email भेजा, team ने कितने अपनी database को prune किया, latest number update किया. You keep give them clarity कि रोज क्या करना है. Don't complain that they are not working. Tell them what they have to focus on. सिर्फ business love बोलने से नहीं चलेगा. You have to focus on what they are doing. See, end of the day, we are all converting time into money. मैं क्या काम करूंगा उस वक्त में, उससे मुझे क्या रिजल्ट आएगी डिपेंड करता है. सो कन्वर्टिंग टाइम इनटू मनी इज वेयर यू हैव टू गिव देम गाइडेंस. फोकस ऑन प्रोग्रेस. डोंट बी टू ऑब्सेस्ड अबाउट परफेक्शन. ट्रेन योर टीम. वैल्यू देम टुडे फॉर टुमारो एंड शिफ्ट मेरिटोक्रेसी इन वेरिएबल्स. कस्टमर के साथ मैंने जैसे कहा एम्पैथी दिखानी है. हार्ट और ब्रेन दोनों का बैलेंस रखना है. कनेक्ट विद एवरीवन. डोंट सीक कॉन्फिडेंस फ्रॉम कस्टमर्स बट गिव कॉन्फिडेंस. Be empathetic. Find a win-win opportunity. Payment के मामले में, order booking के मामले में, उनका भी loss नहीं हो, आपका भी loss नहीं हो. Sell what they want. Go where the customers are. Use technology to reach new places. Collaborate and associate with a lot of industry peers. Time to honor relationship. अगर अभी भी वक्त आया था, हम बोलते हैं ना मेरा customer के साथ relationship है. अभी वक्त है उस relationship को अदा करने का. You also show your gracefulness and be ethical. Don't try to. There are some businesses who are trying to make super profit in this time. Customer शायद आज आपको पैसा दे देगा, लेकिन जैसे lockdown खत्म होता है, he will go back to those who are giving him value. So don't try to be unethical in the way you make money. आपके sales को बढ़ाने के लिए हर एक team member जरूरी है. Whatever you losses you made till now is fine. Accept it. But from now you can stop bleeding. Collect whatever was due. छोटे छोटे जो पेमेंट्स थे उसकी एक टाइमलाइन बनाइए. कौन सी डेट को कब तक चाहिए. कस्टमर से बात की कर कलेक्शन का एक सुपर प्लान बनाइए. कलेक्ट द स्मॉल रिसीवेबल्स फर्स्ट. बड़े पेमेंट्स के लिए आपको मे बी स्टैगर्ड वे से कस्टमर से पेमेंट लेना पड़ेगा. कैश फ्लो रिसीवेबल्स फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ. अगर कस्टमर पेमेंट नहीं देने वाला तो खर्चे कैसे निकालने वाले. यू विल हैव टू टेक क्रेडिट. यू मे हैव टू डू शॉर्ट टर्म क्रेडिट. बी रेडी टू टेक दैट रिस्क. बट इन द लॉन्ग रन आस्क योर सेल्फ मैं ये रिकवर कैसे करूंगा. क्या बेच के रिकवर करूंगा. क्या प्राइस पे मैं बेचूंगा. किस टारगेट ऑडियंस को बेचूंगा. मेरे टीम को मैं कैसे इन्वॉल्व करूंगा. लीड जनरेशन कैसी होगी. उस लीड को कन्वर्ट करने में मेरी पिच क्या होगी. मैं कंसल्टेटिव सेलिंग कैसे यूज करूंगा. मैं टेक्नोलॉजी कैसे यूज करूंगा. मैं CRM कैसे यूज करूंगा. मैं ऑनलाइन कैसे बेच सकता हूँ. ये सारा आपको कैश फ्लो के लिए काम करना पड़ेगा. अलाइन योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस को डिस्कार्ड करो. नेसेसरी एक्सपेंस है टेक्नोलॉजी टीम, इस पे काम करो. प्रोडक्ट इनोवेशन पे खर्चे करो. ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी. बी फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव टू सेल व्हाट वर्क्स. वैल्यू सेलिंग विल स्टिल वर्क. अगर आप कस्टमर को वैल्यू बेस्ड बेनिफिट दिखा पाए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखा पाए, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम जरूर मिलेगा. आस्क व्हाट डू बायर्स वांट एंड मेन थिंग LMN. लर्न अ लॉट, मार्केट अ लॉट, नेटवर्क अ लॉट. एक घंटा रोज लर्निंग करो, एक घंटा रोज प्रोस्पेक्ट ढूंढो, मेलिंग करो.